गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में अपन बात कर रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस था उसमें चौथे नंबर का, जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे एक्सप्लेन करके आपको बता दिया था कंप्लीटली कि इंपेरेटिव सेंटेंस है जो चार तरीके से बनते हैं, चारों तरीके के आपको फॉर्मूला बता दिया था, एग्जाम्पल देकर बताया था, ये भी बताया था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किस तरीके से पूछा जाता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उसे किस तरीके से पूछा जाता है, और किस तरीके से उसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ये सब कुछ बता दिया था। और ध्यान रखना, अब नंबर 5 आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5वां नंबर का आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विश्व यादि बोधक वाक्य। हर्ष, दया, क्रोध, विस्मय, दुख, आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और ये वाक्य 3 तरीके से बनते हैं। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके से बनते हैं। सबसे पहले विस्म यादि बोधक सूचक सब और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्म यादि बोधक चिन्ह। इसके बाद पैटर्न वही है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा रेस्ट वर्डों की अंग्रेजी लिखी जाती है। देखिए, आहा, हम, मैच, जीत गए हैं, छी छी, तुमने तुम्हारी माँ को गाली दी, हाय वह परीक्षा में असफल हो गया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली टाइप है इस टाइप के वाक्यों को बनाने की, उसमें सबसे पहले विस्मय व्यक्त करने वाले शब्द को लिखा जाता है, जो किसी भी प्रकार का दुख, हर्ष, दया, क्रोध, आश्चर्य जो व्यक्त करता है, उस वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। बाकी पैटर्न वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के मुताबिक क्रिया लिखी जाती है, जौन से टेंस का वाक्य होता है उसी ही टेंस की क्रिया लिखी जाती है, और इसके बाद अंग्रेजी लिखी जाती है ऑब्जेक्ट की। याद रखना, देखिए 1, 2, 3 फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आहा, और याद रखना खुशी को व्यक्त करने के लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है हुर्रा, विस्मय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रा, और सब्जेक्ट हम, वर्ब जीत गए हैं, और ऑब्जेक्ट
मैच। याद रखना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा यदि या, ये, यी और है लगा हुआ है तो वे सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट हैव या हैव में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद, एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद जो सेंटेंस दिया हुआ होता है जिस टेंस में होता है उस सेंटेंस को उसी टेंस में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट इस बात को याद रखना। देखिए जी, हम की अंग्रेजी वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब है। जीतने की अंग्रेजी विन और विन की थर्ड फॉर्म वॉन। द मैच फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है, याद रखना इसमें दुख व्यक्त किया गया है, दुख व्यक्त किया गया है। तिरस्कार की भाषा है डिस्डेन की, याद रखना जिसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड है छी छी। और याद रखना डियर स्टूडेंट सिक्स की अंग्रेजी होती है टट टट। एक्सक्लेमेशन वर्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तुमने तुम्हारी माँ को गाली दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में प्योर आई ए की आवाज आती है, आर ए आई, याद रखना यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में डियर स्टूडेंट्स आई ए की ध्वनि आती है, प्योर आई ए की ध्वनि आती है, तो याद रखना वे टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट याद रखना यू। गाली देने की अंग्रेजी एब्यूज, सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड। योर तुम्हारी, मा मदर फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस है, हाय वे परीक्षा में फेल हो गया है। और ध्यान रखना दुख व्यक्त करने के लिए हाय की अंग्रेजी होती है अलास। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वे परीक्षा में फेल हो गया है। ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। तो याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो फर्स्ट टाइप है बनाने की, वो फर्स्ट टाइप ये होती है, सबसे पहले विस्मयादि बोधक सूचक शब्द, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरी टाइप डियर स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप है, देखिए हाँ, परीक्षा के अंदर आपको याद रखने हैं तीनों टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में किसी भी टाइप का सेंटेंस पूछा जा सकता है। और जब भी अपन कोई राइटिंग का टास्क करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं लिखने का, चाहे वे लेटर राइटिंग हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग, चाहे कोई स्पीच हो, तो उसमें भी इस टाइप के सेंटेंस कई बार किसी प्रकार के विस्मय को प्रकट करने के लिए ट्रांसलेट करते पड़ते हैं। इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आपको ट्रांसलेट करने का पैटर्न याद होना चाहिए। देखिए बी, दूसरा वाला तरीका बी, याद रखना व्हाट ए, व्हाट ए, ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है व्हाट ए। ये ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शुरू करने की अंग्रेजी के वाक्य को स्ट्रक्चर है। व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव
प्लस नाउन, और इस नाउन से रिलेटेड लिखा जाता है प्रोनाउन। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अंत में लिखते हैं वर्ब और अंति अंत में लिखा जाता है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ जी, नंबर एक सेंटेंस, कितना सुहावना मौसम था। दो सेंटेंस दूसरे नंबर का, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। देखिए जी, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जो वाट ए वर्ड दे रखा है ना, ये अंग्रेजी देता है कितना की, कितना की अंग्रेजी वाट ऐसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कितना की अंग्रेजी बनाने के लिए आ गया वाट ए, और इसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव विशेषण का, और विशेषण शब्द दे रखा है सुहावना, जिसका अर्थ होता है ब्यूटीफुल। सुहावना जिसको अंग्रेजी में फाइन या प्लीजेंट कहते हैं, फाइन या प्लीजेंट, दोनों में से कोई सा ही लगा लीजिए, बोथ आर राइट, दोनों ही करेक्ट हैं। वाट ए फाइन और प्लीजेंट, और याद रखना नाउन वर्ड दे रखा है वेदर, डब्ल्यू ई टी एच ई आर, वेदर, और वेदर के लिए प्रोनाउन आएगा इट। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इस नाउन से रिलेटेड ही प्रोनाउन लिखना है। यदि एक वचन कोई पुरुष है तो उसके लिए आ जाएगा ही, स्त्री है तो उसके लिए सी, और कोई निर्जीव वस्तु या जानवर है तो उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना वाट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें अंति अंत में लिखी जाती है वर्ब, और वर्ब क्या दे रखी है वॉज, और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेकेंड सेंटेंस है कितना, और कितना की अंग्रेजी होती है वाट ए, वाट ए, और अब एडजेक्टिव की अंग्रेजी ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, वाट ए ब्यूटीफुल। और नाउन वर्ड क्या दे रखा है प्राकृतिक दृश्य, और प्राकृतिक दृश्य की अंग्रेजी प्राकृतिक की होती है डियर स्टूडेंट्स नेचुरल, एन ए टी यू आर ए एल, और दृश्य की अंग्रेजी सीन, एस सी ई एन ई, सीन, वाट ए ब्यूटीफुल सीन। और ध्यान रखना नेचुरल सीन के लिए प्रोनाउन आएगा इट, वर्ब दे रखी है बी टाइप की, उसके लिए इस, और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। और सी वाला जो पैटर्न है वे स्टूडेंट सेम इसी टाइप का है, और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए तीनों टाइप के सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी थ्री टाइप्स क्या है, तीन तरीके से कैसे बनाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर सी पैटर्न, हाँ जी, सबसे पहले और लिखते हैं हाउ, और इसके बाद में आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में याद रखना आर्टिकल दी, और इसके बाद में लिखते हैं नाउन, और इसके बाद में याद रखना हाउ से शुरू होने वाले विस्मयादिबोधक वाक्य में प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट वर्ब आती है।
देखिए नंबर सेंटेंस कहते नहीं घमंडी लड़की है, कितना वेनम वृद्ध व्यक्ति था, कितना विनम्र वृद्ध व्यक्ति था। याद रखना कितना और कितनी की अंग्रेजी रिप्रेजेंट करते हैं बेटो, प्रदर्शित करते हैं हाउ से, इसके बाद अंग्रेजी बनाते हैं एडजेक्टिव की। और ध्यान रखना कंपिटेटिव एग्जाम में आगे चल करके दो साल बाद जब अपीयर होंगे आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सर्च आउट करने जाएंगे तो याद रखना उसमें एक आर्टिकल का टॉपिक आता है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर भी आती हैं कंपिटेटिव एग्जाम में। तो उस टाइम डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि व्हाट के बाद हमेशा आर्टिकल आता है ए, और हाउ के बाद हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले आता है डी। याद रखना कितनी घमंडी लड़की है। देखिए पहला वाला सेंटेंस है हाउ और घमंड की अंग्रेजी प्राउड, हाउ प्राउड आर्टिकल नाउन से पहले दी, गर्ल प्रोनाउन आता ही नहीं है और डायरेक्ट लिखते हैं वर्ब, वर्ब क्या दे रखी है और है की अंग्रेजी बनेगी इस अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है कितना विनम्र वृद्ध व्यक्ति था, दूसरा वाला सेंटेंस हाउ और विनम्र की अंग्रेजी है हम्बल। याद रखना बेटो विनम्र की अंग्रेजी दो होती है, एक तो होती है मॉडेस्ट शालीन या विनम्र और एक होती है हम्बल, हाउ मॉडेस्ट या हम्बल। और द ओल्ड मैन और था की अंग्रेजी आ जाएगी वॉज और अंत में विस्मयादिक होता चित। डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हर्ष दया क्रोध विस्मय वे आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और याद रखना ये तीन तरीके से बनते हैं, पहले वाला है विस्मयादिबोधक सूचक शब्द प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले का पैटर्न है जो आपके सामने लिख रहा है डियर स्टूडेंट्स व्हाट ए एडजेक्टिव नाउन नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन वर्ब, और तीसरा है हाउ एडजेक्टिव आर्टिकल दी नाउन और वर्ब। अब डियर स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं कि ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में परीक्षा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस नहीं पूछा जाता है, बनता ही नहीं है इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस। याद रखना इस टाइप के सेंटेंस हैं जो शॉर्ट ग्रामर होती है, छोटी वाली जो ग्रामर होती है उसमें केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में पूछा जाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स देखिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखना, ये आपको नोट्स में नहीं लिखनी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, नोट्स में आपके भी बिल्कुल आपको इंडिकेट नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। समझना है कि उस टाइम आपके सामने प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट होती है, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि सेंटेंस किस टाइप का है, किस तरीके से बदलना है। हाँ जी
सेंटेंस देखिए मैं लिख रहा हूं, और मोस्टली यही सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं अधिकतर है, आप पिछले पेपर्स उठाकर देखना, पिछले पेपर्स के एक्सरसाइज देखना डियर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो दसवीं की परीक्षा से संबंधित स्टूडेंट्स हैं वे देखना पिछले पेपरों को उठाकर, मोस्टली सेंटेंस ज्यादातर है परीक्षा के अंदर जो सेंटेंस आते हैं वे सेंटेंस भी यही आता है, द क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स, द क्रिकेटर्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, ये डियर स्टूडेंट्स नोट्स में नहीं लिखना है, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, नोट्स में नहीं लिखना है, केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से है कि एग्जाम में ये किस तरीके से आता है शॉर्ट ग्रामर में और आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखिए द क्रिकेटर्स से और वही सेंटेंस है, वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच, सेंटेंस ही आता है। देखिए इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, ध्यान रखना इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब में केवल आपको सेड को बदलना पड़ता है लेकिन आपको नहीं बदलना है, ये फैसिलिटी आपको परीक्षा के अंदर प्रोवाइड की जाती है कि रिपोर्टिंग वर्ब का भाग आपको बदला हुआ मिलता है, केवल आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को ही चेंज करना पड़ता है। देखिए किस तरीके से बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट किस तरीके से बदला हुआ मिलता है।